शिव गुरु घर का खाना विद आरती देवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैगी से नूडल्स बनाएंगे, एकदम सिंपल और आसान तरीका से, बहुत ही कम सामग्री से बनाएंगे। अब थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी को गर्म होने देंगे। पानी में 1/4 टीस्पून नमक रखेंगे, थोड़ा सा तेल रखेंगे। अब पानी में एक उबाल आने देंगे। अब पानी हमारा बहुत गर्म हो गया है, अब मैगी रख देंगे। जैसे हम चाउमीन बनाते हैं उसी स्टाइल में मैगी को बनाएंगे। अब मैगी हमारा पूरा अच्छा से पक गया है, अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब एक जाली वाला बर्तन लेंगे, उसमें इसे रख देंगे और ठंडा पानी से धो देंगे मैगी को पूरा अच्छा से। अब मैगी बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। थोड़ा सा रिफाइन ऑयल रखेंगे, कढ़ाई में फैला देंगे। अब प्याज रखेंगे, हरा मिर्च, गाजर को भी कद्दूकस करके रख सकते हैं, हरा मटर को भी, अपने पसंद का कोई भी सब्जी रख सकते हैं। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब एक चम्मच विनेगर रखेंगे, मिक्स कर देंगे। एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस मिक्स कर देंगे। एक चम्मच सोया सॉस रखेंगे, एक चम्मच टोमेटो सॉस, मैगी मसाला रखेंगे। अब मैगी को रख देंगे, मैगी के साथ मिक्स कर देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। बारीक कटा हुआ खीरा रखेंगे, धनिया पत्ता रखेंगे, अब मैगी हमारा चाउमीन स्टाइल में बनकर तैयार हो गया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बच्चे भी बहुत आसानी से बना लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।